Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture we have discussed the question exercise complete की थी. उसमें हमने जो word problem थे वो done किए. उसमें कैसे solve करना है word problem को with the help of quadratic equation. First उसमें convert किया, फिर उसमें से इस equation को quadratic formula को use करके हमने solve किया है ना. Now let's see the example of the quadratic formula. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके एग्जांपल देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 13. सो यहां पे आपको गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट. अगर वो एग्जिस्ट करते हो तब ही. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको पता होना चाहिए कि रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे. तो रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे मैं यहाँ पे कंडीशन राइट डाउन करूंगा कि जब आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आए. वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आए तब भी रूट एग्जिस्ट करेंगे. इक्वल्स टू जीरो आए तब भी पॉसिबल है बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव. बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो नहीं होनी चाहिए. क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारा रूट है दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है अपॉन 2a. सो अंडर रूट यहाँ पे जो रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वो नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं, रियल नहीं आता. नेगेटिव नंबर का रूट रियल नहीं मिलेगा हमें. डन. सो हम कहेंगे कि रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो तब ही. डन. सो वो उसके कंडीशन है. तो ऑलवेज हम फर्स्ट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. कौन सा इक्वेशन गिवन है देखो तो जरा. ये इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0 है देन इट्स ओके. अगर नहीं हो तो हमें इक्वल्स टू 0 बनाना है. मीन्स RHS में जो भी हो उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना तभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होगा. योर इक्वेशन इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. डन. सो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. ए इज 3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज माइनस 5 एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म 2. डन. ओके नाउ लेट्स फाइंड द बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी इज माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 इंटू सी इज 2. माइनस 5 स्क्वायर विल बी 25. 4 3 is 12, 2 is 24. 25 minus 24 will be 1. Done. So b square minus 4ac की वैल्यू मिली हमें 1. Now let's find the sir एक मिनट. So here let's find the roots. So यहाँ पे है x is equals to आएगा minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Put the value of b, a and c. So b is minus 5. So minus तो already है b के पहले. So minus and b की value है. Means a है minus b. है ना? So b की value होगी minus 5. Plus or minus. यहाँ पे कभी भी plus 5 put मत कर देना. Direct. Okay. तो वो minus 5 रहेगा. Solve होके. Then under root b square minus 4ac. That is 1. Under root आ गया 1. Upon 2a. A is 3. Okay. Now minus minus plus 5 plus or minus under root 1 means square root of 1 will be 1 upon 2 3 is 6. So 1 time plus 6, 1 time plus happen, 1 time minus plus or minus hai. So 5 plus 1 upon 6 plus le liya. Ya to minus le sakte hum. X is equals to 5 minus 1 upon 6 kyunki yahan pe plus and minus both hai. So X is equals to 6 upon 6. So 6 6 cancel. 6 6 is 1. 6 1 6 6 6 1 6 6 1 6. तो यहाँ पे आएगा 1. ओके 1 एक्स की वैल्यू मिली 1. सेकेंड वैल्यू है उसकी एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 अपॉन 6. 2 टू जा 4 3 टू जा 6. सो एक्स की सेकेंड वैल्यू है 2 अपॉन 3. दिस टू आर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस इज द रूट्स. दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है. एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें?
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है, डन। सो नेक्स्ट है एग्जांपल 13 का सेकंड क्वेश्चन। हियर इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा काम डन, इक्वेशन कन्वर्ट नहीं करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए इज वन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट विल बी वन, आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ आपको गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए इज वन क्योंकि वन इंटू एक्स स्क्वायर होगा, बी इज फोर प्लस फोर है डन, एंड सी इज फाइव, ओके। नाउ फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी इज फोर तो फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज वन एंड इट इज ए एंड सी इज फाइव डन, so it is 4 square will be 16 minus 4, 5 is 20, so it is minus 4, 16 minus 20 minus 4, so यहाँ पे हम क्या root find कर सकते हैं, no, here जो हमारा b square minus 4 ऐसे मिला वो minus 4 मिला, तो हमारे जो formula है यहाँ पे, under root minus 4 आएगा ना इस तरह से, under root minus 4, so minus का हम root real number नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है कि root नहीं निकलेगा, but वो real number होगा, नहीं होगा, आपको रियल नंबर क्या है, क्या रूट निकलेगा, आपको हायर स्टैंडर्ड में आएगा, बट आप अभी याद रखो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नंबर नहीं होता, डन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट हियर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not a real number, then hence for given equation real roots does not exist, real root possible nahi hai, then exist hi nahi karenge, real root iske nahi milenge, we cannot find, so everyone clear, यहाँ पे हमें चेक करना है कि b square minus 4ac की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, सो डन, एनी डाउट इन दिस, सो नो डाउट हियर, लेट्स मूव टू द थर्ड वन, थर्ड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x square minus 2√2x plus 1 equals to 0, फर्स्ट वी विल फाइंड a b एंड c, a इज 2, b इज माइनस टू रूट टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है सो माइनस टू रूट टू एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज वन ओके नाउ लेट्स फाइंड द बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू अच्छे से पुट करो माइनस टू रूट टू द होल स्क्वायर विल बी माइनस फोर इंटू ए इज टू फोर तो पहले राइट डाउन कर ही लेना है फिर ए की वैल्यू टू एंड सी की वैल्यू है वन नाउ माइनस टू रूट टू स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर होगा फोर रूट टू का स्क्वायर होता है टू एंड इट इज फोर टू जा एट वन जा एट यहाँ पे भी फोर टू जा एट माइनस एट सो इट इज जीरो ओके मैंने क्या बोला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो और नेगेटिव तो जीरो तो पॉसिबल है सो वी कैन फाइंड अ रूट सो लेट्स फाइंड सो हियर लेट्स यूज द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे सो दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए पुट द वैल्यू माइनस बी सो बी इज माइनस टू रूट टू सो माइनस इन ब्रैकेट माइनस टू रूट टू माइनस तो बी के पहले है ही एंड बी की वैल्यू भी है माइनस ओके प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज जीरो अपॉन टू इंटू ए इज टू सो इट इज माइनस माइनस प्लस टू रूट टू अपॉन प्लस और माइनस अंडर रूट जीरो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो विल बी जीरो क्यों क्योंकि जीरो की जीरो का स्क्वायर रूट क्यों जीरो होता है सो अगर आप जीरो का स्क्वायर रूट मीन जीरो रेस टू वन अपॉन टू होगा स्क्वायर रूट मीन्स पावर वन अपॉन टू
तो जीरो की कोई भी पावर ले लो, जीरो इंटू टू मीन्स जीरो इंटू जीरो होगा ना, टू जीरो का स्क्वायर मीन्स टू टाइम्स जीरो मल्टीप्लाई, जीरो का क्यूब मीन्स जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो रेस टू वन मीन्स सिर्फ जीरो है ना। तो जीरो की अगर मैं कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करूँ या तो वन टाइम भी जीरो मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जीरो आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जीरो का कोई भी पावर हो आंसर विल बी जीरो। सो जीरो का स्क्वायर रूट होता है जीरो, डन। ओके, सो ये प्लस और माइनस जीरो आएगा, दैट विल नॉट, कोई इसका वैल्यू नहीं होगा। सो अपॉन आएगा टू टू जा फोर, यहाँ पे भी टू टू जा फोर आएगा, सो रूट टू। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को डाउट होता है, पता नहीं होता कि कैसे इसको सोल्व करें, तो यहाँ पे जो टू है उसको मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू के फॉर्म में, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, रूट टू इंटू रूट टू। सो टू मीन्स टू, रूट टू मीन्स टू रेस टू वन अपॉन टू इंटू रूट टू मीन्स टू रेस टू वन अपॉन टू। सो यहाँ पे टू पावर बेस सेम पावर विल बी एडेड, सो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू विल बी क्या होगा वन, तो आ गए ना टू, टू रेस टू वन मीन्स टू। और रूट टू इंटू रूट टू मीन्स रूट टू का स्क्वेयर है ना, रूट टू इंटू रूट टू मीन्स रूट टू का स्क्वेयर, रूट टू मीन्स टू रेस टू वन अपॉन टू उसका भी स्क्वेयर, रूट टू मीन्स टू रेस टू वन अपॉन टू, टू टू कैंसिल आ गया टू। सो आप याद रखिएगा कोई भी इंटीजर है, थ्री हो तो हम इसको लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, फाइव है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट फाइव इंटू रूट फाइव, एवरीवन क्लियर। फोर ही तो इसको लिख सकते हैं रूट फोर इंटू रूट फोर, डन। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो ही रूट टू कैंसल वन, सो यहाँ पे रिमेनिंग है वन अपॉन रूट टू, बट यहाँ पे टू रूट सेम रूट मिलेंगे, वन अपॉन रूट टू और एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, क्योंकि टू इक्वल रियल रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आया। क्यों ऐसा टू रूट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस जीरो कंटिन्यू होगा, तो वन टाइम प्लस जीरो वन टाइम माइनस जीरो होगा सेम ही, तो यहाँ पे टू रियल रूट्स मिलेगी, इक्वल रियल रूट्स। सो एनी डाउट इन दिस, सबको क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो जब आपको याद रखना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो मिले, सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हो गए वो टू इक्वल रियल रूट हो गए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो एग्जाम्पल 13 था वो सबको क्लियर है आई थिंक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 14। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन तो है बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, उसी के रूट कैसे फाइंड करना है दैट वी नो। सो फर्स्ट हम गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। So, x into x यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई की प्लस है ना, so x into x will be x square plus 1 upon x है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है LHS में that is x upon 1 plus 1 upon x is equals to 3x, ऐसा है ना, x को we can write x upon 1, so x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, x square plus sin a plus 1 into 1 1 upon 1 into x x is equals to है 3x, okay. x is not equals to 0 given है, क्योंकि 1 upon 0, x की value अगर मैं 0 लूँ, तो 1 upon 0 not defined हो जाएगा, इसीलिए। Now, make the quadratic equation, इस x को RHS में shift करो, then, so it is x square plus 1 is equals to 3x into x will be 3x square, okay. अब यहाँ पे भी x square, यहाँ पे भी x square, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सो ये 3x square को मैं RHS में शिफ्ट करता हूँ, या तो इस x square plus 1 को 3x square को LHS में शिफ्ट करूँ, या इन दोनों को RHS में, इसको LHS में शिफ्ट करते हैं, then it is x square plus 1 minus 3x square equals to 0, so it is minus 2x square minus 2x square। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे सिर्फ आपका 3 है, नॉट x प्रेजेंट हियर, मैंने यहाँ पे जब इक्वेशन लिखा तो यहाँ पे आपका एग्जांपल में एक्चुअली 3 है। इस टाइप के इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकोगे, बट वो आपका अनदर मेथड है, अनदर पार्ट है, देन बट हम यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो लेट मी रिमूव दिस पूरा, यहाँ पे आपका सिर्फ 3 है, सॉरी x नहीं सिर्फ 3 है, ओके okay.
सो यहाँ पे your x is not present. X square into यहाँ पे x into x will be x square plus 1 upon x is equals to आएगा 3. Okay. यहाँ तो सेम ही रहेगा जो हमारा ऑपरेशन हुआ है. यहाँ पे सिर्फ 3 था, x नहीं था. Now it is x square plus 1. इस x को RHS में shift करो, so it is 3x. Now 3x को LHS में shift करो, so it is x square minus 3x plus 1 तो है ही हमारा. Equals to zero. Now this is your required quadratic equation. Now let's find first a, b, and c. Find the value of a, b, and c. A is 1, coefficient of x square. B is minus 3, coefficient of x. C is the constant term, that is 1. Now find the b square minus 4ac. B square minus 4ac. B is minus 3, the whole square. Minus 4 into A is 1 into C is 1. So minus 3 square will be 9 minus 4 ones are 4. 9 minus 4 will be 5. Done. So 9 minus 4 will be 5. So B square minus 4AC ki value mili hume 5. Now let's find the roots of the given quadratic equation. So formula is X is equals to minus B plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, put the value here. Minus b. B ki value hai minus 3. So minus in bracket minus 3 plus or minus under root b square minus 4ac, it is 5, upon 2 into a is 1, minus minus plus 3 plus or minus root 5 upon 2. So one time plus, one time minus. So x equals to 3 plus root 5 upon 2 or x equals to 3 minus root 5 upon 2. Done. These are the roots of the given quadratic equation. So, आपको clear है कि यहाँ पे कोई भी आगे simplify नहीं हो रहा है. 3 को हम कोई भी 2 के form में नहीं लिख सकते. Root 5 को हम 2 में नहीं convert कर सकते. यहाँ पे further simplification possible नहीं है. तो हम यहाँ इस तरह से इसके root रखेंगे. तो इसको अगर हम और अच्छे से रखे तो इट इज 3 अपॉन 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2. ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों को डिवाइड होगा 2. यहाँ पे भी 3 अपॉन 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2. बट दिस इज योर फाइनल आंसर, इट इज ऑल्सो राइट. सो एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल 14 के फर्स्ट क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? सो नो डाउट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू 0 भी नहीं लेनी है, 2 भी नहीं हो सकती. 0 इसीलिए कि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 2 इसीलिए कि 1 अपॉन x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, 2 माइनस 2 0, अगेन डिनोमिनेटर 0. ओके, अब इसको कैसे सोल्व करें? कर सकते ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस साइन है, सो माइनस एक्स इंटू वन, एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू आएगा 3. डन. सो इट इज एक्स माइनस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू 3. एक्स प्लस एक्स माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया 0. माइनस टू इज इक्वल्स टू इस x square minus 2x को RHS में shift करते हैं, तो 3 से होगा multiplication, x square minus 2x. Further simplify करते हैं, minus 2, 3 into x square, 3x square minus 3 to the 6x. इस minus 2 को RHS में shift करो, या तो मैं इसको first ऐसे लिख दूँ, 3x square minus 6x equals to minus 2. किसी को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए. देन यहाँ से भी आप कर सकते थे, अब इस माइनस टू को LHS में शिफ्ट करें, सो इट बिकम्स प्लस टू. माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो. लड्डू समझ कर खा मत लेना, जीरो पुट करना कंपल्सरी है. ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू था, तो इक्वल्स टू आप खा जाओगे तो कैसे चलेगा. नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेट्स फाइंड द ए बी एंड सी. सो यहाँ पे आपके जो a है, that is a जो हमारे है, that is 3. Second is b, b जो हमारा है वो minus 6 है, and c is the constant term
2. Okay. Now let's find the first b square minus 4ac. So b square minus 4ac is equal to b minus 6 square minus 4 into a is 3 into c is 2. Minus 6 square will be 36. 4 3 is 12. 12 2 is 24. So yahan pe 6 plus 6 will be 12. So b square minus 4ac ki value mili hame 12. Now let's find the roots. So roots ke liye hamare paas formula hai. Kaun sa? Quadratic formula. X equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Put the value here. So here, jo hamari value hai, that will be minus b. B is minus 6. So minus in bracket minus 6 plus or minus under root b square minus 4ac. B square minus 4ac ki value mili 12 upon 2 into a is 3. So minus minus plus 6 plus or minus under root 12 upon 2 3 is 6. Then so 1 time plus 1 time minus or hum kya kar sakte? Bahut kuch kar sakte. Kaise? Yahan pe dekho 12 ko main kya another form mein convert kar sakta hu. Yes, we can do it. So it is 6 plus or minus under root 12 ko likh sakte 4 into 3 12 4 3 is 12 upon 6 hai na upon 6 x equals to now 4 hai uska square root nikal sakte 2 so yahan pe hum x equals to write down kar sakte 6 plus or minus it is 4 ka square root ho gaya 2 into root 3 upon 6 then so ab yahan pe jo ye 6 hai dono se divide hoga is dono se ki nahi हम यहाँ पे ऐसा भी करते हैं वन टाइम प्लस पहले तो मैं दोनों से डिवाइड कर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सिक्स प्लस और माइनस टू रूट थ्री अपॉन सिक्स टू रूट थ्री अपॉन सिक्स ओके एक्स इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई सिक्स वन प्लस और माइनस टू थ्री जा सिक्स टू थ्री जा सिक्स रूट थ्री अपॉन थ्री ओके अभी भी मैंने प्लस और माइनस दोनों कंटिन्यू ही रखा है x is equals to 1 plus or minus 3 को हम लिख सकते हैं क्या root 3 into root 3 root 3 into root 3 so 1 root 3 cancel so it is 1 plus or minus 1 upon root 3 so x is equals to 1 plus or minus 1 upon root 3 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं root 3 ऐसा भी चलेगा आप इसको कई कितने सारे वे में इसको रूट लिख सकते हैं आपके जो एग्जांपल में इस वे में नहीं है बट आप जैसे सिंपलीफाई करोगे ऐसा होगा देन अगर आप यहाँ से ऐसा करो कि यहाँ से टू कॉमन ले लो आप अगर आपके जो एग्जाम आपकी जो एग्जांपल में मैंने ऐसा आप यहाँ से कितने वे में इसको सोल्व कर सकते हैं देखो यहाँ से अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको एक्स इज इक्वल टू इस रूट थ्री को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दू तो रूट थ्री प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री तो वन सॉल्यूशन तो ये हो गया प्लस और माइनस आपको पता है कैसे लिखना है वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस दैट इज क्लियर नाउ अगर मैं यहाँ से और वे में डिफरेंट वे में सोल्व करूँ तो इन न्यूमरेटर में से टू कॉमन ले लूँ तो यहाँ से टू बाहर आ गया टू थ्री जा सिक्स प्लस और माइनस रूट थ्री अपॉन सिक्स टू थ्री जा सिक्स इट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस और माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री यहाँ से थ्री थ्री कैंसिल मत कर देना कि दोनों से डिवाइड होगा अब आप दोनों के साथ डिवाइड कर सकते हैं थ्री अपॉन थ्री प्लस और माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री वन हो गया थ्री थ्री इट इज वन प्लस और माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री अगेन आप थ्री वन जा थ्री प्लस और माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री कर सकते तो कई सारे सोल्यूशन है आपके आप कोई भी राइट डाउन कर सकते हैं देन आपको जिस मेथड से इसको सोल्व करना आता हो दैट मेथड यू विल यूज सो एनी डाउट इन दिस सबको क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 देन एग्जाम्पल 13 हो गया एंड एग्जाम्पल 14 हो गया देन जस्ट हमें इक्वेशन गिवन थी उसको सोल्व करना था अब आए वर्ड प्रॉब्लम सो एग्जाम्पल 11 है उसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स sum of whose square is 209
तो फर्स्ट हो कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं यहाँ पे कोई एक इंटीजर ओड इंटीजर की लाइन राइट डाउन कर रहा हूँ सिक्वेंस। तो फर्स्ट ओड इंटीजर है वन, उसके बाद आता है थ्री, देन फाइव, देन सेवन, देन नाइन, इस तरह से आता है ना। या तो मैंने वन से स्टार्ट किया क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात है, कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं वन से स्टार्ट हो। हमें ऐसे कोई टू कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर लेना है। कंसेक्यूटिव मीन्स वन के बाद दूसरा, फर्स्ट इंटीजर ओड इंटीजर, उसके बाद जो नेक्स्ट ओड इंटीजर होता है वो, उन दोनों को हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं, एक के बाद एक ऐसा। अगर मैं डिफरेंट टू कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर लूँ, सपोज फाइव एंड सेवन, सिक्स, ये दोनों ओड इंटीजर है, कंसेक्यूटिव है ना, देन हम ले सकते हैं थर्टीन एंड फिफ्टीन, देन हम लिख सकते हैं सेवेंटी नाइन एंड एटी वन, दोनों ओड है एंड कंसेक्यूटिव है। हम देख सकते हैं 101 एंड 103 है ना, ऐसा रहे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। हमें क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन दोनों पॉजिटिव ओड इंटीजर के स्क्वायर का एडिशन है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम, ऐसा बोला है। देन दोनों के एडिशन करने से उसका स्क्वायर नहीं करना है, दोनों के स्क्वायर करना है फिर उसका सम, ऐसा बोला है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें किसी एक इंटीजर को x लेना होगा है ना, अज्यूम करना होगा वेरिएबल। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर मैं फर्स्ट इंटीजर को x ले लूँ तो सेकेंड इंटीजर कैसे मिलेगा, इस फर्स्ट इंटीजर में अगर मैं टू एड कर दूँ तो फाइव में टू एड करने से सेवन, थर्टीन में टू एड करने से फिफ्टीन, वन जीरो, तो वन जीरो वन में टू एड करने से वन जीरो थ्री मिलता है। तो ऐसे ही कोई भी जो फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर है उनमें अगर मैं टू ऐड करूँ तो उसका सेकेंड कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर मिल जाएगा। देन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे फर्स्ट इंटीजर को x एंड सेकेंड ओड इंटीजर मिल जाएगा हमें x प्लस टू। एवरीवन क्लियर, सो लेट्स अज्यूम, सो लेट लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स, देन सो सेकेंड जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, सो सेकेंड कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस टू ही होगा है ना, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा अभी। तो हमें क्या बोला, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन, तो फर्स्ट इज एक्स उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर है एक्स प्लस टू उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का एडिशन गिवन है 290। सो एक्स स्क्वायर प्लस इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू टू, सो इट इज फोर एक्स, टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू एक्स इंटू टू, टू टू जा फोर एक्स, लास्ट में ऑलवेज प्लस, टू का स्क्वायर विल बी फोर इज इक्वल टू 290। ओके, सो एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो बनाना है ना हमें, वी नीड इक्वल टू जीरो, सो 290 शिफ्ट टू दी एल एच एस बिकम्स माइनस 290 इक्वल टू जीरो। देन सो हियर 2x square plus 4x minus 286, 4 minus 290, it will be minus 286 equals to 0। अब याद करो, मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर कॉमन निकलता है तो कॉमन ले लो, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में 2, 2 2 4 यहाँ पे 6 भी 2 से डिवाइड होगा, सो 2 कॉमन निकल रहा है, सो लेट्स take 2 as a common, so here remaining is x square plus 2 to the 4x, which is 2x minus 286 divide by 2 karo, 2 1 is 2, 4 2 to the 4, 1 2 3 hai na, 1 2 3 to nahi aega, 2 4 is 8 hota hai na, yahan pe 8 hai, 2 4 is 8 and 2 3 is 1 4 3, so 114 to the 283 to the 6, then 143 aega, so here 143 is equals to 0, 2 RHS mein shift kare, so 0 se divide ho jayega, x square
plus 2x minus 143 equals to 0. This is your required equation. But हमें यहाँ पे क्या करना है? Find the two consecutive odd integers. तो हमें find करना है. So कैसे find करेंगे? इस x के value find करने से हमें मिल जाएंगे. So let's find the value of x. So use the quadratic formula. हमारे पास three method है quadratic equation को solve करने से. हमें देखना है कि हमें कौन सी method use करनी है. तो हमें quadratic formula अभी हम continue कर रहे हैं, तो वही use करेंगे. या splitting the middle term या factorization भी use कर सकते हैं. I think completing this square तो कोई use नहीं करने वाला. तो you can use splitting the middle term और factorization method, या तो आप use कर सकते हो quadratic formula. हम use करेंगे quadratic formula. Done. So here x b square minus first हमें find करने a b and c की value. So a is 1, b is 2 and c is minus 143. Find the b square minus 4ac. B square minus 4ac हम find कर लेते हैं. So let's find b square minus 4ac. So b is 2 square minus 4 into 1, a is 1 into c is minus 143. Then so 2 square will be 4 minus minus plus 143 into 4. 143 into 4, 4 ones are 400, 4 fours are 16, 4 threes are 12. 2572. Then so it is 572. 572 plus 576. So b square minus 4ac ki value mili 576. Now let's use the formula. So formula hai hamare paas x equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Put the value minus b. B ki value hai hamare paas 2. So minus 2 plus or minus under root b square minus 4ac, that is 576. Upon 2 into a. A ki value hai 1. So it is into 1. So minus 2 plus or minus 576. Iska square hai 24 ka square. So square root of 576 will be 24 upon 2 ones are 2. So minus 2 1 time plus 24 upon 2 or x equals to minus 2 minus 24 upon 2. So x equals to minus 2 plus 24, 22 upon 2. So x equals to 11, 2 is 22. So x equals to 11. Yahan pe x equals to minus 2 minus 24, minus 26 upon 2. 13, 2 is 26. So x equals to minus 13. We have two values. Ab hamara jo x hai wo kya hai? First consecutive odd positive integer. Yahan pe to minus 13 mile, so ye to consider nahi hoga. So the first consecutive odd integer hoga, that will be 11. So first odd positive integer, is equals to x is equals to 11. Jo hamara second hoga, second odd positive integer, that will be x plus 2. Jo hamara second consecutive odd positive integer hai, that is x plus 2. X is 11, so 11 plus 2, that will be 13. Te dono ho gaye hamare required consecutive odd integer. Any doubt in this? Let's move to the next question. Koi doubt nahi hai isme. So example 12. यहाँ पे मैंने फिगर नहीं ड्रॉ किया, आपको बुक में फिगर ऑलरेडी गिवन है. सो फर्स्ट तो समझते हैं क्वेश्चन को. और रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर. कुछ भी समझ में नहीं आया. सी फिगर 4.3, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो फर्स्ट फिगर कैसे, मींस हमारा जो पार्क है वो कैसा गिवन है यहाँ पे.
आपको रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, उसकी हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, वो तो आपको गिवन है, मीन्स वो आपको बनाना है। एंड ऑलरेडी आपको कौन सा कैसा पार्क गिवन है, यहाँ पे देखो, इट्स एरिया इज टू बी 4 meters square मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड, ऑलरेडी बन चुका है। किस शेप में? आइसोसेलस ट्राइंगल के शेप में। ओके, तो यहाँ पे ऐसी आपको फिगर गिवन है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर पार्क। इसको मंदिर मत समझना, टेम्पल, आपका ऊपर से टॉप व्यू है, डन। एंड यहाँ पे जो फ्रंट में है इस तरह से, वो आपका आइसोसेलस ट्राइंगल है, बनाता ना आइसोसेलस में जिसके दोनों साइड इक्वल हो। ये हो गया आपका आइसोसेलस ट्राइंगल, जिसका बेस जो है वो बेस इज द ब्रेथ। इसका आइसोसेलस ट्राइंगल का जो बेस है उस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इट इज ब्रेथ, जो दिस वन इज द ब्रेथ, क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल का जो बेस है वो इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ है। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेथ कह देता हूँ। इन जो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन होगी दैट विल बी लेंथ, तो अब ये ब्रेथ है तो ये लेंथ ही होगी, देन इट इज द लेंथ। ओके, अब इसको समझते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज मेड इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 meters लेस देन इट्स ब्रेथ। सो लेट मी राइट हियर, ब्रेथ इज means is equals to 3 meters less than its length. So length से 3 meters less than है. So length minus 3. यहाँ तक clear. अब आपको पता है assume क्या करना है, जो quantity RHS में हो. So let's assume length is equals to x. Length is equals to x. So breadth क्या मिलेगी हमें भाई? आप अपना जो method है वो same ही रखो. जैसे यहाँ पे लेंथ सब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है कि ब्रेथ प्लस 3 आपको जैसे यहाँ पे गिवन है, आपकी मेथड सेम ही रहनी चाहिए, तब आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, डन। सो इट इज लेंथ माइनस 3, लेंथ इज एक्स, सो ब्रेथ मिलेगी एक्स माइनस 3। ओके, सो लेंथ वेरिएबल के फॉर्म में आ गई, ब्रेथ भी वेरिएबल के फॉर्म में आ गई। अब क्या चाहिए, क्या गिवन है? इट्स एरिया इज मीन्स इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है दैट इज दिस वन is 4 square meters more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle. तो इसका जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का वो 4 square meters ज्यादा है जो पहले से isosceles triangle के फॉर्म में जो पार्क बन चुका है उसके एरिया से। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 मोर देन है इस ट्राइंगल के एरिया से। सो लेट मी राइट इट हियर, Area of rectangular park is 4 meters square more than जो isosceles triangle shape का park है उसके area से। So area of 4 meters square more than area of isosceles triangle shape park, isosceles यहाँ पे given है, isosceles triangle, then अब let's use the formula, area of rectangular park तो होता है length into breadth, length is x into breadth is x minus b is equals to 4 plus triangle का area क्या होता है 1/2 base into height। सो अब इस यहाँ पे वो आगे देखो, पार्क एंड अल्टीट्यूड इज 12 meters, मीन्स इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड आपको गिवन है, दैट इज द अल्टीट्यूड 12 meters का, जिसकी ब्रेथ है, ब्रेथ तो आपके यही है, बेस इज द ब्रेथ, ट्राइंगल की जो बेस है वही तो ब्रेथ है, दैट इज एक्स माइनस 3। सो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, इसका जो एरिया होगा दैट इज 1/2 बेस इंटू होता है हाइट ही नहीं। So base means breadth. So breadth कितनी है? X minus 3 into height. Height is 12. Height means altitude. Okay. So it is 4 plus. यहाँ पे तो है x into x. X square minus x into 3. 3x is equals to 4 plus 2 6 that 12. So it is 6 into x minus 3. Okay. So
तो यहाँ पे है x square minus 3x is equals to here x square minus 3x is equals to 4 plus it is 4 plus 6x minus 18 4 plus 6x minus 18 so x square minus 3x is equals to 4 minus 18 minus 14 इसको आरएचएस ले लेचेस में शिफ्ट करें सो इट इज x square minus 3x minus 6x plus 14 equals to 0 so it is x square minus x square minus 9x plus 14 equals to 0 done so अब यहां पे इसको सॉल्व करना है 14 चाहिए सो किस दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 14 आए एंड ऐड करूं तो 9 आए सो 7 टू द 14 सो x square minus 7x minus 2x plus 14 equals to 0 let's take x as a common इन दोनों टर्म में से इन दोनों टर्म में से यहां पे क्या कॉमन निकल रहा है x क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्टूडेंट्स मैंने यहां पे एक बात बोली नहीं कि यहां पे जो हमारा इक्वेशन था वो मिला दिस वन दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक आप बोल रहे हो कि सर अब तक तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे थे बट आपने सडनली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मींस फैक्टराइजेशन मेथड क्यों यूज की क्योंकि मैं इसको थोड़े से डिफरेंट वे में सॉल्व करना चाहता हूं आपको बताना चाहता हूं कि हम कोई भी मेथड यूज करें अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो सकती है पॉसिबल है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं आपका आंसर चेंज नहीं होगा इट विल बी रिमेन सेम डन तो आपको मेथड भी रिवाइज हो जाए इसलिए मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं सो 14 था a * c 14 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने थे जिसका एडिशन 9 है सो 7 * 14 दोनों नेगेटिव -9 आ गया माइनस माइनस प्लस 14 ओके एक्स कॉमन सो यहाँ पे रिमेनिंग एक्स माइनस 7 अब यहाँ से दोनों में से 2 बाहर आएगा यहाँ पे एक्स यहाँ पे माइनस साइन है सो माइनस 7 ही आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे अब कौन से साइन यहाँ पे पुट करूँ सो यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x माइनस है सो वी नीड टू पुट हियर माइनस साइन हियर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 0 तो है ही दोनों में से x माइनस 7 कॉमन यहाँ पे रिमेनिंग x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 सो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 7 एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 नाउ लेट्स फाइंड x की जो वैल्यू है वो क्या है x हमने किसको अज्यूम किया था लेंथ को सो लेट्स टेक दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ से आपको ऐसा लग रहा हो कि दोनों पॉसिबल है पर चेक करते इफ लेंथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7 मीटर तो हमारी जो ब्रेथ है ब्रेथ दैट विल बी क्या है x माइनस 3 सो x माइनस 3 आएगा ना यहाँ पे सो x इज 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 मीटर ओके यहाँ से तो दोनों पॉजिटिव मिल रहा है सो लेंथ है 7 मीटर ब्रेथ है 4 मीटर अब अगर मैं इफ लेंथ को लेंथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 मीटर ले लो तो मेरी ब्रेथ क्या मिलेगी ब्रेथ इक्वल्स टू x माइनस 3 x है 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 नॉट पॉसिबल ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव तो हमारी जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो क्या है 7 मीटर एंड 4 मीटर लेंथ 2 मीटर की पॉसिबल ही नहीं तो उसके लिए हमारी ब्रेथ मिल रही है -1 मीटर दैट इज नॉट पॉसिबल हेंस लेंथ इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 मीटर देन दिस इज योर फाइनल आंसर नाउ क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 प्लस करना है हमें इसीलिए एनी डाउट इन दिस एवरीवन आई थिंक सबको क्लियर है दिस क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स यहाँ तक रखते हैं हमारा टाइम हो गया सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिमेनिंग जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट वो भी हम लर्न करने वाले डन सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू शुक्रिया टेक केयर
Okay, everyone, take care. We will meet in the next lecture. Bye bye. Thank you, students.